सलीमा, टोक्यो ओलंपिक में आपके खेल ने सभी को प्रभावित किया था और आपका वो अनुभव मैं समझता हूं अगर आप साझा करती हो टोक्यो वाला अनुभव तो भी मैं समझता हूं सबको अच्छा लगेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे हम के ओलंपिक्स जाने से पहले आपसे भी बात किए थे, फिर अभी कॉमनवेल्थ आने से पहले भी हम ऑलरेडी हैं इंग्लैंड में, पर अब से पहले आपने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में भी हम जाने से पहले आपने हमसे सबसे बात की थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा, फिर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो बस यही है कि हम टोक्यो ओलंपिक्स में हम यही सोच के गए थे कि हमें कुछ करना है इस बार, तो हम इस टूर्नामेंट में भी हम यही सोच के आए हैं कि हमें करना है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में हमें जैसे कोविड भी था तो हमें बहुत डिफिकल्ट हुआ था, जैसे साई में बहुत ज़्यादा हमें ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जैसे पहले वहाँ बहुत अच्छा हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि हम टोक्यो में जाके बहुत कुछ सीख के आए, फिर अपने दम पर बहुत कुछ करके आए। तो बस आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आगे तक जाएं, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हमारी एक बहुत अच्छा पहचान थी, जैसे हमने बहुत अच्छा खेला रही टीम, तो हमें इनको इसको कंटिन्यू रखना है सर। सलीमा, आप छोटी सी ही उम्र में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव आपको आगे भी बहुत ही मदद करेगा, आप बहुत आगे बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से महिला और पुरुष दोनों ही हॉकी टीम को अपनी ओर से और देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी बिना किसी तनाव को मस्ती से खेलिए, सभी लोग सर्वश्रेष्ठ जब प्रदर्शन करेंगे तो पदक हर हाल में हो आना ही आना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।